जैसे हम लोग माँ बाप के बारे में बात कर रहे हैं, एक थोड़ा सीरियस टॉपिक है, बट जब इशकजादे रिलीज हो रही थी एंड वी लॉस्ट मोना आंटी, अर्जुन लॉस्ट हिज मदर एट दैट टाइम, और मैं कोसा मुई में शूटिंग कर रहा था बैंकॉक में, एंड जब मुझे पता चला, मतलब मैं खाली ये इमेजिन कर रहा था कि एक लड़का जिसकी पहली फिल्म हो रही है वो शूटिंग कैसे करेगा, वो फिल्म रिलीज कैसे करेगा व्हेन ही इज लॉस्ट अ पेरेंट. आई मीन देयर इज नो, कोई उससे बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि उन्होंने अपने बस अपने काम में भगवान देखा एंड ही जस्ट वेंट फॉर दैट. एंड आई थिंक डेफिनेटली मोना आंटीज हिज मदर्स ब्लेसिंग्स आर देयर ऑन हिम दैट टुडे ही इज वेयर ही इज, एंड ही वो और भी आगे जाने वाला है, बिकॉज दैट्स द हार्डेस्ट थिंग अ चाइल्ड कैन फेस. I've never discussed this because मुझे लगता है, you know, कुछ चीज़ें होती है जो you don't discuss, but मैं फिर भी ये मानता हूँ कि वो चल बसी, लेकिन उसके पहले आई थी मेरे सेट पे और उन्होंने एक दिन मुझे शूटिंग करते हुए देखा था. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा और उन्हें लगा कि अगर वो दर्द नहीं सह पा रही, उन्हें पता है कि मैं कहीं ना कहीं सही रास्ते पर हूँ. तो इफ़ यू आर सेइंग हर ब्लेसिंग्स आर देयर, आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो जहाँ पर भी है शी इज़ ऑलवेज वॉचिंग ओवर मी, एंड आई फील आई जस्ट वॉन्ट टू मेक हर प्राउड इन वॉट एवर कैपेसिटी. जो भी करूँ इट्स ऑल फॉर हर, इवेंचुअली मैं उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए जो कर रहा हूँ, सब कुछ उन्हीं के लिए.